अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आगे बना रही हूँ शान मटन कुन्ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शान मटन कुन्ना बनाना। हांडी में मैं एक कप ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें एक अदद दरमियाने साइज का प्याज गया है, इसे डाल के इसे थोड़ा सा पका लूंगी। जब प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा, इसके बाद में इसमें लहसुन का पेस्ट डालूंगी। प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है, 3 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूंगी। सिर्फ 1 मिनट भूनूंगी। मटन लिया है 1 kg, साथ में इसमें पाई डलवा दिया, तो ये भी डाल देंगे इसमें। एक पैकेट लिया है शान कुन्ना मसाला 50 ग्राम, ये डाल दूंगी। इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक भूनेंगे। इसे मैंने 5 मिनट तक भुना है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी 2 कप, मिक्स कर दूंगी। इसे हम कवर कर देंगे और गोश्त गलने तक पकने देंगे। यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच आटा लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। आटा मैंने सिंपल सा जो घर का होता है डेली का, वही आटा इस्तेमाल किया है और इसकी लिक्विड तैयार कर लेंगे हम। तो ये देखिए, ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। लहसुन अदरक जो कुछ भी हमने डाला था वो अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको ये देखिए गोश्त भी देखिए कितने अच्छे से गल चुका है, इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के। कितने अच्छे से गल चुका है ये देखिए। अभी देखिए यहाँ पर जो मैंने लिक्विड तैयार की थी आटे के घोल की, ये डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डाल दूंगी और इसे पकने दूंगी मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर मटन, ये देखिए मटन कुन्ना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये देखिए ग्रेवी इनकी इसकी कितनी अच्छी सी तैयार हुई है। इसे आप गरम गरम नान के साथ मोश करें, बहुत ही जबरदस्त डिश है और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली ये डिश है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस डिश को। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए शान के प्रोडक्ट में मिर्च मसाले नमक पहले से ही मौजूद होता है। मैं पहले भी रेसिपी में आपको बता चुकी हूँ, जितनी भी शान की रेसिपी बताई है उसमें मैंने यही बताया कि इसमें मिर्च मसाला नमक हर चीज़ परफेक्ट पहले से ही मौजूद होता है। और अगर आपको ये परचेज करने होते हैं शान के प्रोडक्ट, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। के ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया गार्निश कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शान मटन कुन्ना बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।